सीएम जयराम ठाकुर आज पालमपुर में प्रधानमंत्री के मंडी दौरे को लेकर करेंगे अहम बैठक। हिमाचल में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए तय किया गया अंक निर्धारण का विवादित फार्मूला हटाया। शिमला में दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गई नाबालिग नहीं लौटी घर, परिवार ने पुलिस थाना में दर्ज करवाई शिकायत। हिमाचल में अब आईएएस और एचएएस भी लगाएंगे विद्यार्थियों की क्लास, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। सेब बागवानों के साथ धोखाधड़ी, सीआईडी ने आड़तियों के खिलाफ दर्ज की 18 एफआईआर। हिमाचल में खुलेगा कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र, नहीं लगाने पड़ेंगे जयपुर के चक्कर। समग्र शिक्षा अभियान के तहत हिमाचल में बदलेगी प्रारंभिक शिक्षा की तस्वीर, केंद्र ने दिए 105 करोड़। पहाड़ों की रानी शिमला में 2 साल बाद क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी, होंगी पार्टियां, गाला डिनर का भी बंदोबस्त। हिमाचल प्रदेश में स्कूली विद्यार्थी भी रोजाना आ रहे कोरोना संक्रमण की चपेट में, एक्टिव केस में कमी। बच्चों की वैक्सीन कोवैक्स के आपात इस्तेमाल को मिली WHO की मंजूरी। अगर आप अपने क्षेत्र की कोई समस्या या अन्य कोई खबर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। आप अपनी न्यूज हमें भेज सकते हैं ewn24news@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 8988765225 पर।